नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को पता ही होगा कि जो निपाह वायरस है उसने किस तरह से पूरे भारत को अपनी चपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौतें हुई हैं। दोस्तों, जो निपाह वायरस है वह चमगादड़ के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला वायरस है, जिसकी वजह से यह ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि चमगादड़ जिस भी चीज़ को, जिस भी फल को खाता है वह संक्रमित हो जाता है, और जिस भी फल को, वो फल जो संक्रमित हुआ है यदि उसे कोई मनुष्य खा लेता है तो वह उससे जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। यही कारण है कि ये जो वायरस है वह तेज़ी से पूरे भारत में फैल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सामान्य से और बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण बताऊँगी जो कि निपाह वायरस के हैं। यदि आप भी इन लक्षणों को देखते हैं तो आप बहुत जल्दी सावधान हो जाइए, क्योंकि ये जो लक्षण, ये जो वायरस है वह किसी भी व्यक्ति को मौत की चपेट में ला रहा है। इससे किसी भी व्यक्ति की मौत हो जा रही है। दोस्तों, ये जो वायरस है वह मनुष्यों में एनसेफेलाइटिस से जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति के ब्रेन में सूजन आ जाती है। दोस्तों, ये जो वायरस है वह सबसे जल्दी किसी भी व्यक्ति के दिमाग को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बुखार आ जाती है। साथ ही बुखार आने के सिर में दर्द होता है और उस व्यक्ति को चक्कर भी आते हैं। दिमाग इफेक्ट होता है, इसलिए उस व्यक्ति को मानसिक भ्रम भी हो जाता है, और मानसिक भ्रम होने के कारण व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। दोस्तों, और आखिरकार ये जो निपाह वायरस है वह किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुला देता है। दोस्तों, ये जो लक्षण है, ये निपाह वायरस के प्रमुख रूप से लक्षण हैं, और ये जो इसके लक्षण हैं 24 से 28 घंटे में तेज़ी से बढ़ जाते हैं, और इसमें जो व्यक्ति है वह जल्दी कोमा में चला जाता है। और कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें व्यक्ति को सांस से संबंधित समस्याएं भी हो जाती हैं, यानी कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तो दोस्तों, आप सावधान रहिए, सजग रहिए और इस बीमारी से बचकर रहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुँच सके। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए, ताकि इसी तरह की जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके।